Hello students, I hope you all are good at home. Welcome to our models class. Now we are going to make this video number 3. Today we are going to discuss here about the models may, might, must and many others. Okay students, let's start with may. May हम कई तरीकों से यूज करते हैं, आप लोग भी मोस्टली क्लास में यूज करते हैं, जिस तरह से कि आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, इस तरह से. तो कुछ और रूल्स भी हैं, जरा देखते हैं कहां कहां हम इनका यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिक्वेस्ट, व्हेन वी मेक अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू समबडी देन वी यूज मे. फॉर एग्जाम्पल, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज, मे आई आस्क व्हाट योर name is. So whenever we make such kind of request, then we use may. Here you can see may has been used here. Go to second one or the next one for permission. Permission ki abhi hum baat kar rahe the, jis tarah se students apne teachers ke saath permission lete hain, may I come in sir, usually aap classes mein use karte hain, may I go sir, theek hai. नेक्स्ट वन इज फॉर पॉसिबिलिटी. फॉर पॉसिबिलिटी, सी इट मे रेन टुडे, इस तरह की पॉसिबिलिटीज के लिए हम यूज करते हैं मे. इट मे रेन टुडे. ओके स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब इसको पढ़ेंगे, माइट को पढ़ेंगे. फॉर पर्पस आफ्टर दैट और सो दैट, नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं. मे का यूज पर्पस वाले सेंटेंस में होता है और इसका यूज हम दैट या सो दैट के बाद करते हैं. इसमें देखेंगे वी ईट दैट वी मे लिव. अब यहां पर देख रहे हैं कि इसमें पर्पस ऑफ ईटिंग हैज बीन शोन हियर. यहां पर दिखाया गया है कि हमारे ईटिंग का क्या पर्पस है, दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू माइट. माइट की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माइट इज पास्ट ऑफ मे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पास्ट ऑफ मे. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, डिस्कस किया था कि पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ विल, पास्ट ऑफ शैल. तो उसमें हम नरेशन वाले सेंटेंस को देखते हैं, जैसे कि यहां पर यह है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ सेंटेंस है. इसमें हम क्या देख रहे हैं, ही आस्क मी इफ ही माइट. यहां पर आप देख रहे हैं माइट का यूज किया हुआ है. अगर ये डायरेक्ट नरेशन में होता सेंटेंस तो क्या होता, ही सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा बिगिन होता, मे आई कम इन, मे आई कम इन. तो उसको हमने चेंज किया, इसलिए यहां पर क्या आया है, ही आस्क मी इफ ही माइट कम इन. ओके, आ गया होगा समझ में. अब हम चलते हैं नेक्स्ट के बाद. नेक्स्ट के पास रिमोट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी. यहां पर देखिए, मैंने अभी कहा था कि हम इसमें डिस्कस करते हैं, व्हेन वी सी अ पॉसिबिलिटी समवेयर देन वी यूज मे. बट जब हमें वही पॉसिबिलिटी थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही हो, मतलब दूर का मतलब थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी है इसके कंपेरिजन में. ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा फर्क बनाने के लिए यहां पर यूज कर देता हूं. इट मे रेन टूडे एज इट इज very cloudy. Done? आ गया समझ में. अब यहां पर आप देख रहे हैं it may rain today as it is cloudy or very cloudy. बहुत ज्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि बारिश हो सकती है. लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें बादल कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने कहा it might rain today. आ गया होगा समझ में. There cloudy words नहीं होंगे. Okay? नेक्स्ट में हम चलते हैं पर्पस इन पास्ट दैट एंड सो दैट. वही पर्पस जो मे के लिए था, वही पर्पस यहां भी है माइट के लिए, लेकिन ये पास्ट में हो जाएगा. इट इज इन पास्ट. राजू रेन फास्ट सो दैट. अब यहां पर देखिए सो दैट या दैट भी बताया था, वहां पर भी था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है, पास्ट टेंस. वी सेकेंड, राजू रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस. इसलिए हमने माइट यूज यहां पर किया है. समझ आ रहा होगा उम्मीद है आपको. नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं मस्ट. ओके, फॉर नेसेसिटी.
इट इज फॉर नेसेसिटी. यू मस्ट सी द डॉक्टर एज यू आर इल. आप बीमार हैं इसलिए जरूरत है कि आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ये नेसेसिटी है. आगे होगा समझ में. कंफ्यूजन कहां होता है, कई बच्चे इसमें शुड और मस्ट में, या क्वेश्चनिंग भी की जाती है शुड में और मस्ट में क्या फर्क है, कहां पर हमें इसमें फर्क करना है. तो यहां पर ध्यान देंगे कि नेसेसिटी जहां पर हो, व्हेन और वेयर देयर इज अ नेसेसिटी देन यू हैव टू यूज मस्ट, अदरवाइज शुड विल बी देयर और पॉसिबली देयर. देन फॉर प्रोहिबिशन, फॉर प्रोहिबिशन व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड टू डू, जब किसी काम को करने के लिए मना किया गया हो. ठीक है बेटा, यहां पर हम देख रहे हैं इसमें यू मस्ट नॉट, नॉट का यूज किया गया है. तो आप भी ध्यान रखेंगे कि जब किसी चीज को करने के लिए मना किया गया हो तो मस्ट नॉट का यूज करते हैं. यू मस्ट नॉट प्ले ऑन द रूफ, छत पे आप लोगों को नहीं खेलना चाहिए, इस तरह की प्रोहिबिशन आपको भी रखी होगी. आया समझ में, यहां पर भी ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है फॉर कंपल्सन. कंपल्सन, कोई कंपल्सन है आप पर कि आपको जरूर जरूर करना है. अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर. ओके, इट इज अ कंपल्सन फॉर अ सर्वेंट टू ओबे हिज मास्टर. तो इस तरह के कंपल्सन में आप ध्यान देंगे कि आप लोगों को मस्ट का यूज करना है. डन, आ रहा होगा समझ में. नेक्स्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, कंट्री में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, एंड किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो सब जगह पर हम रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम मस्ट का यूज करते हैं. एवरीवन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हेन वी गो ऑन अ राइड, देन वी हैव टू यूज ऑल द ट्रैफिक रूल्स. ओके, हम जब कभी भी रोड पर चल रहे हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना होता है. दैट इज, इट इज रूल्स एंड रेगुलेशन. डन, आपको यहां भी समझ आ रहा होगा. इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मॉडल्स पे. एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको इरेज कर देता हूं. नेक्स्ट इज ऑट टू. ऑट टू ध्यान से सुनेंगे. ऑट टू इज बेसिकली सिमिलर टू शुड. डन, ऑट टू इज सिमिलर टू शुड, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है. वो आप लोगों को अगली क्लासेस में जब आप पहुंचेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंसेस और द डिफरेंस बिटवीन ऑट टू एंड शुड. अभी मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि आपको ऑट टू और शुड में क्या फर्क करना है. देखिए, अभी जब हमने शुड का पढ़ा था तो आपने देखा था कि शुड को हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं. व्हेन वी वांट टू गिव एन एडवाइस टू समबडी, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं. किस तरह से, यू शुड obey your elders. Done friends, दिखाई दे रहा है आपको, हमने should का यूज यहां पर किया है. लेकिन जब examiner आपको घुमाकर क्वेश्चन दे देता है, आपको दिया you dash to obey your elders. ठीक है, अब यहां पर डिमांड, अब सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिमांड किसके दिखाई दे रहा है, शुड की. लेकिन गलती नहीं करनी है, टू दे रखा है, क्योंकि ऑट टू और शुड सिमिलर है, इसलिए आपको शुड ना लगाकर क्या लगाना है, ऑट लगाना है. इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, ऑट टू और शुड सिमिलर है. इनमें जो डिफरेंस होता है एल्डर, सॉरी सीनियर क्लासेस में आपको पता लगेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ मैं आपको पता इसका डिफरेंस बता रहा हूं कि शुड और ऑट टू सिमिलर है. लेकिन जब आपको एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देता है, व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन फॉर ऑट टू और शुड, ही विल हैव गिवन टू, द प्रपोजिशन टू आफ्टर द ब्लैंक. ओके, देन यू हैव टू यूज ऑट नॉट शुड. सो दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस इन दिस ऑट टू एंड शुड. और कुछ जो रूल्स थे शुड के लिए, उसमें आपको यहीं पर ऑट टू का यूज करना होगा इसी तरह से. ठीक है, हम नेक्स्ट
मॉड्यूल के पास चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड टू। ओके स्टूडेंट्स, यूज्ड टू में देखते हैं, यूज्ड टू में क्या है। यूज्ड टू फर्स्ट यूज फॉर हैबिट ऑफ पास्ट और पास्ट हैबिट। ठीक है, आपको अगर याद आ रहा हो तो हम वुड यूज किया करते थे या वुड बताया था, क्या बताया था, फॉर पास्ट हैबिट। ठीक है, आपको पास्ट हैबिट के लिए वुड बताया था, लेकिन सेम टू अगर दे रखा है और पास्ट हैबिट को शो करने वाला सेंटेंस है तो आप वुड यूज ना करके और सॉरी यूज्ड टू यूज करेंगे। जैसे ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू ड्रिंक और टेक टी इन हिज चाइल्डहुड। सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से, ही यूज टू टेक टी इन हिज चाइल्डहुड। इन हिज चाइल्डहुड मीन्स नाउ ही इज नॉट अ चाइल्ड बट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही यूज टू टेक, वो लिया करता था, मीन्स उसके पास्ट की हैबिट थी। ठीक है, अगर यहां पे टू नहीं होता तो हम इसमें वुड लगा सकते थे, इस बात पे ध्यान देंगे, लेकिन अगर टू दे रखा है तो हम वुड नहीं लगाएंगे, सिर्फ यूज लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे। डन, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नंबर टू, फोर एग्जिस्टेंस, डन ऑफ समथिंग इन पास्ट, ऑफ समथिंग इन पास्ट। ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान देंगे, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन पास्ट, किसी चीज का विद्यमानता के लिए, जब कोई चीज पास्ट में हुआ करती थी उसके लिए, जैसे कि देयर यूज्ड टू बी अ ट्री इन दिस ग्राउंड। डन, अब यहां पर देख रहे हैं, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री In this ground, okay students, तो यहां पर पेड़ हुआ करता था, which is not exist right now, okay? That's why it used to be, हुआ करता था, that's why we have used here used to, okay? Only two rules for used to are here, I have taught you, now come to next, okay? Next में आपका जो रहता है दैट इज नी एंड डेर, नी एंड डेर, सबसे पहली बात अबाउट बोथ ऑफ देम कि ये दोनों वर्ब भी हैं एंड मॉडल्स भी हैं। ध्यान रखेंगे यहां पर मैं वर्ब का यूज बता रहा हूं, वर्ब में ये किस तरह से यूज होंगे और मॉडल्स में किस तरह से यूज होंगे। देखिए, ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल, यहां पर वर्ब कहा था मैंने कि नीड और डेयर दोनों वर्ब की तरह यूज होते हैं। कैसे हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट उसका इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो नीड क्या हुआ, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, नीड क्या काम कर रहा है, वर्ब का, मेन वर्ब का। ऐसे डेयर का सेंटेंस होगा, ही डज नॉट डेयर टू एंटर प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस। यहां पर आप देख रहे हैं इसमें भी सेम है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब और डेयर क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, इस तरह से आपको यूज इसका देखना है कि ये डज नॉट नीड और डज नॉट डेयर, इसके साथ में टू और दिखाई दे रहा होगा लेकिन टू वहां पर दिखाई नहीं देगा। किस तरह से, अब यहां पर मॉडल्स पे आते हैं, मॉडल्स पे ये नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि यहां पर मैं नीड की बात करता हूं,
he need not worry. He need not worry. Done? यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर need का यूज किया गया है. ऐसे ही she dare not face him. उसमें उसका साहस, सॉरी, उसमें उसका सामना करने का साहस नहीं है, ठीक है भाई? आप देख रहे हैं need not और dare not, जिनके साथ to नहीं लगाया गया है, और he और she के तुरंत बाद need और dare यूज हो रहा है. अगर ये वर्ब के तौर पर यूज होते तो यहां पर s लगा होता, क्योंकि सिंगुलर है. she needs और he needs not worry. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो need और dare, ये for necessity, okay, this one, and this is for courage. इसमें देखेंगे कि mostly ऐसे क्वेश्चन how से स्टार्ट किए जाते हैं. how dare you, जैसे कि how dare you, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं. तो और जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे उसमें और ज्यादा डीपली इनको पढ़ेंगे. आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.